अब यहाँ पे आता है मेरे को एक ग्लाइडर का आवाज और अब मेरे ऊपर होने वाला है हवाई हमला। नमस्कार मंडली, स्वागत है तुम सब बगवी के एक और लड़ाके बाज वीडियो में। और भाई इस वीडियो में आगे जाके तुम्हारा भाई हमें भी उड़ते पोरों को जो ही बत्ती देने वाला है, अरे बिल्कुल मजे आ जाएगा। खैर फिलहाल उतरता हूँ यहाँ पे, हाथ में लगती है बंदूक और सामने होता है कोरिया, ये कर दे इसको नॉक और ये भर दिया खोखड़े के अंदर। उतने में सामने पे ये कर दिया इस पोरे को नॉक और खोखड़े के अंदर इसको पैक कर ही दूंगा। अब इसको खोखड़े के अंदर पैक करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे हाना मारा चल रही होती है और यहाँ पे किसी ने किसकी पेटी डाल दी, तो मैं इनको देख रहा होता हूँ। उतने मेरे ऊपर कोई गोली चलाता है तो मैं आता हूँ यहाँ पे इस डब्बे के पीछे। अरे फोतरे मेरे पे रश करेगा, ये पोरा मेरे ऊपर रश कर रहा होता है लेकिन मैं इसको रास्ते में ही पकड़ लेता हूँ और खोखड़े के अंदर पैक भी कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे और यहाँ पे एक पोरा होता है और इसको देखो गायब, सटक लिया मेरे भाई ये यहाँ से मेरे को टरक के सटक जाता है। खैर अब ये तो भाग गया, तो मैं आता हूँ यहाँ पे आगे। उतने में ही अब ये पोरा मेरे को बिल्कुल 5 HP करता है लेकिन मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और अब तुम ये देखो भाई, यहाँ पे किसी ने मेरे को चाकू मार के फेंका। अब यहाँ पे पीछे से एक और बंदा आता है लेकिन इसको मैं जंप शॉट देके खत्म कर देता हूँ, लेकिन जिस पोरे ने मेरे को चाकू मारा था उसको मारने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे आगे और मेरे को सामने पे दिखता है एक पोरा। अब ये कर देता हूँ मैं इस पोरा को नॉक और ये पोरा वही होता है जिसने मेरे को चाकू मार के फेंका था, और ये पोरा यहाँ पे उगड़ा नागड़ा घूम रहा होता है तो मैं इसको पूरा खत्म कर देता हूँ। अब इसको खत्म करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे ऊपर और दूर पे एक पोरा होता है। ये कर दिया इसको नॉक और खोखड़े के अंदर पैक। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे आगे मेरा टीममेट किसी के साथ मारामारी कर रहा होता है लेकिन इन पोरों ने मेरे टीममेट की पेटी डाल दी मेरे भाई। अब यहाँ पे दो पोरे होते हैं जिन्होंने मेरे टीममेट की पेटी डाली थी, तो मैं जाके इन दोनों की पेटी डाल देता हूँ। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे सामने वाले घर पे और यहाँ पे बालकनी से पोरे शोध रहा होता हूँ। उतने मेरे को दूर पे दिखता है एक पोरा। अब यहाँ पे सामने पे 2-3 पोरे होते हैं, उनमें से एक पोरे को तो मैं नॉक कर देता हूँ लेकिन मैं पेटी ना डाल पाई, इसलिए मैं भागता हूँ फटाक से आगे इन पोरों को खत्म करने के लिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ से इनके ऊपर फेंकता हूँ 2-3 ग्रेनेड, लेकिन पता नहीं भाई ये पोरे कौन सी कोपचे में जाके बैठ रखे, ये मरते नहीं। उतने में एक पोरा बाहर आता है और उस कोपचे में जाके फिट हो जाता है। अब ये कर देता हूँ मैं इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक, लेकिन अभी भी इस रूम के अंदर 2 पोरे। अब यहाँ पे ये पोरा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है लेकिन भाई मेरी खुद की हालत यहाँ पे पतली है तो मैं क्या ही अपने टीममेट को बचाऊँ, तो मैं यहाँ पे हीलिंग करता हूँ। उतने में ये पोरा जाके मेरे टीममेट की पेटी डाल देता है। अब मैं यहाँ पे नीचे पे इनका इंतजार कर रहा होता हूँ, उतने में ऊपर से एक पोरा नीचे कूदता है। अब ये करता हूँ मैं इस पोरा को यहाँ पे ख़त्म, करता हूँ थोड़ी सी हीलिंग और अभी भी ऊपर पे एक पोरा जिंदा है। अब ये पोरा यहाँ पे डाल देता है 2-3 स्मोक ताकि ये यहाँ से सटक सके, लेकिन भाई मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा तो मैं भागता हूँ फटाक से इसके पीछे इसको पकड़ने के लिए। और फाइनली तुम्हारा भाई इस पोरा को दबच लेता है, इसी के साथ होते हैं तुम्हारे भाई की 11 किल और ये एरिया भी पूरा खाली हो चुका है। अब यहाँ पे लूट वगैरह करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे नीचे पे, आता हूँ पोचिंग की में और सामने पे एक पोरा होता है। अब ये कर देता हूँ मैं इस पोरा को नॉक और जाता हूँ इस पोरा की पीटी डालने के लिए। और पता नहीं भाई मेरे तीनों के तीनों टीममेट यहाँ पे कहाँ पे जाके मर गए,
मरने के बाद इन्होंने भाई रिकॉल होने का भी इंतजार नहीं किया, सीधा एग्जिट दबा दिया। तो इसलिए यहाँ पे मामला हो चुका है सोलो वर्सेस स्क्वाड। अब यहाँ पे एक पोरे की पेटी पड़ी हुई होती है और इस पेटी के अंदर होती है भाई एक AMR। अब यहाँ पे ATX भी होता है तो मैं उठाता हूँ ATX और AMR और निकलता हूँ यहाँ से जोन के लिए। अब यहाँ पे मैं जोन में जा ही रहा होता हूँ अपनी उस उड़ती चटाई पे, उतने मेरे को दिखता है भाई एक पैराशूट और यहाँ पे एक पोरा लैंड करता है। तो मैं जाता हूँ फटाक से इस पेड़ के पीछे इस पोरे को देखने के लिए। और भाई यहाँ पे मेरी ही चटाई मेरे ही एम के सामने आ जाती है और भाई लगभग गड़बड़ हो ही जाती अगर मैं थोड़ा सा साइड में ना होता तो। अब मैं इस पोरे को नॉक तो कर देता हूँ लेकिन भाई मैं इसको फिनिश नहीं करता क्योंकि यहाँ पे जोन फुल तेज़ी में आ रहा होता है तो ये वैसे भी मर ही जाएगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे आगे इस बड़ी वाली पहाड़ी पे क्योंकि यहाँ पे सामने पे गोली चल रही होती। अब यहाँ पे भाई इस पोरे को शोधते शोधते मेरे को आती है आवाज़ ग्लाइडर की। यहाँ पे कोई हवे में ग्लाइडर उड़ा रहा है। और भाई ये पोरा इधर ही है। फिलहाल बच गया है। और तुम्हारा भाई यहाँ पे APB मोड में जाके इस पोरे को खत्म कर देता है। अब इस पोरे को खत्म करने के बाद मैं आता हूँ फिर से ऊपर यहाँ पे हीलिंग कर रहा होता हूँ, उतने में भाई नीचे पे हाना मार लटक गई। तो मैं जाता हूँ आगे इन पोरों को देखने के लिए। और ये रहा पोरा। अब यहाँ पे भाई दरअसल होते हैं दो पोरे, उनमें से एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ लेकिन दूसरे पोरे को नॉक नहीं कर पाया। अब जिसको नॉक किया है उसकी भी पेटी डाल देता हूँ लेकिन भाई जो जिंदा बच गया है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें आगे जाके पता चले जाएगा। अब यहाँ पे मैं पोरे देख ही रहा होता हूँ, उतने में मेरे को आवाज़ आती है हवे में से ग्लाइडर की। ये मिस हो गई, ये ग्लाइडर पे लगी। और फाइनली तुम्हारा भाई इस ग्लाइडर के ड्राइवर को उतार ही देता है और ये पोरा ऊपर से गिर के फिनिश भी हो जाता है। अब जो पोरा जिंदा बचा है मैं उसको देखने के लिए आगे जाता हूँ। अब भाई तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि भाई तू ऐसे बिल्कुल एक ही सेकंड के अंदर कैसे मर गया। देखो भाई मैं जाता हूँ यहाँ पे आगे इस पोरे को देखने के लिए और मैं इस पोरे को नॉक भी कर देता हूँ। लेकिन अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले मुझे लेफ्ट से एक स्नाइपर पड़ती है और उसके बाद पीछे से ये पोरा आके मेरे को एक P90 की गोली चिपकाते हैं और यहाँ पे इस तरह दोनों पोरों के बीच में फंस जाता हूँ और ख़त्म हो जाता हूँ। खैर इसी के साथ 16 किल्स प्लस एक पोरा नॉक और यहाँ पे अपना गेम प्ले ख़त्म होता है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर तुम लोगों को मेरा ये स्नाइपर शॉट पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे ही एक और धड़ाके बाज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।